हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल ओमेगा एक्सप्लेनेटर में। पिछले क्लास में हम स्टडी करते हैं आपको 12th मैथमेटिक्स इंटीग्रेशन का 7.2 का क्वेश्चन, जिसमें हम लाइव स्ट्रीम में आपको 18 क्वेश्चन का सोल्यूशन दे चुके हैं। इस वीडियो में हम बात करें आपको 19 नंबर क्वेश्चन से, यानी कि 19 नंबर क्वेश्चन से इंटीग्रेशन का सोल्यूशन करेंगे। तो अगर पिछले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप जाकर देख सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि डेली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमारा टॉपिक क्या है? इंटीग्रेशन, क्लास 12 मैथमेटिक्स एनसीईआरटी सेकेंड पार्ट, यानी कि सेकेंड मैथ है आपका, जिसमें इंटीग्रेशन करते हैं, समीकरण करते हैं, और चैप्टर है आपका एक्सरसाइज 7.2। चलिए, क्वेश्चन कह रहा है कि इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर 2x माइनस 1 बटा ई के पावर 2x प्लस 1 dx। क्लियर? क्वेश्चन कह रहा है इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर 2x माइनस 1 बटा ई के पावर 2x प्लस 1 dx क्या हो सकता है। तो इसको हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन करते हैं। तो ई के पावर 2x माइनस 1 बटा ई एक्स से डिवाइड कर देते हैं, फिर ई के पावर 2x प्लस 1 और फिर ई एक्स से क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। यानी कि दोनों को हमने क्या किया, ई के पावर x से क्या किया, डिवाइड कर दिया। तो e के पावर x से डिवाइड किया तो हो जाएगा e के पावर 2x बटा e के पावर x माइनस 1 e के पावर x, फिर यहाँ पर क्या होगा e के पावर 2x बटा e के पावर x, फिर यहाँ पर 1 बाई e के पावर x, ये क्या हो गया dx। ठीक है, e के पावर x दोनों के नीचे हमने क्या किया, लगा दिया। अब e के पावर x इसमें डिवाइड हो तो क्या बचेगा, ऊपर बचेगा आपका e के पावर x बचेगा माइनस, और यह e के पावर x है नीचे है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में पावर बन जाएगा, e के पावर माइनस x आ जाएगा। फिर नीचे यहाँ पर क्या बचेगा, e के पावर x प्लस, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, e के पावर माइनस x क्या हो गया dx। क्लियर? यानी कि यह e के पावर x ऊपर गया तो क्या हो गया, माइनस बन गया। अब देखते हैं, अब इसको हम मानेंगे लेट e के पावर x प्लस e के पावर माइनस x बराबर क्या माना, t। इसको हमने क्या माना, t, e के पावर x प्लस e के पावर माइनस x को क्या माना, t माना। अब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, e के पावर x बटा dx प्लस d e के पावर माइनस x बटा dx बराबर dt बटा क्या आ गया dx। क्लियर? dt बटा dx, e के पावर x का डिफरेंशियल क्या होता है, e के पावर x डिफरेंशियल होता है e के पावर x। क्लियर? फिर e के पावर x का डिफरेंशियल क्या होता है, e के पावर x होता है, चूंकि यहाँ पर माइनस है तो बीच में क्या आ जाएगा, माइनस और e के पावर माइनस x, यहाँ पर क्या हो गया dx और ये हो गया dt। यानी e के पावर x माइनस e के पावर माइनस x dx बराबर क्या हो गया आपका, dt हो गया। क्लियर? अब इसको हम क्या करते हैं, इरेज करते हैं। तो इतना हो गया, क्लियर? अब यह जो है, इसलिए e के पावर x माइनस e के पावर माइनस x dx पर क्या हो गया, dt हो गया। तो इसके जगह पर हमने क्या लिखा, dt। क्लियर? और e के पावर x प्लस e के पावर माइनस x को हमने क्या माना था, t माना था। तो हो गया आपका, हो गया t, और ये हो गया आपका 1 बाय t क्या होता है, log t प्लस c, और log, और t हमने क्या माना था, e के पावर x माना था, और e के पावर माइनस x माइनस c। क्लियर? यानी कि इसको हमने क्या माना था, t माना था, और वही t इस पर हमने क्या किया, पुट कर दिया, जिसका आंसर हो गया फाइनल e के पावर x प्लस e के पावर माइनस x प्लस c। क्लियर? तो इस तरह आप से सोच करेंगे। चलिए, अब देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। हाँ, 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर 2x माइनस e के पावर माइनस 2x बटा e के पावर 2x प्लस
के पावर माइनस टू एक्स डी एक्स बना डी एक्स, क्लियर। यानी क्वेश्चन है ई के पावर एक्स माइनस ई के पावर टू एक्स माइनस ई के पावर एक्स प्लस ई के पावर माइनस टू एक्स क्या है, डी एक्स है। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको मानते हैं, लेट ई के पावर टू एक्स प्लस ई के पावर माइनस टू एक्स बराबर क्या माना, टी माना। हमने ई के पावर टू एक्स प्लस ई के पावर माइनस टू एक्स को क्या माना, टी माना। अब इसका डिफरेंशियल करेंगे, ई के पावर टू एक्स बटा डी एक्स, फिर डी ई के पावर माइनस टू एक्स बटा डी एक्स, ये हो जाएगा डी टी बटा डी एक्स, क्लियर। और ई के पावर एक्स का मतलब हो गया ऊपर तो जाएगा लेकिन बट्टा में आ जाएगा, तो वन बाई टू ई के पावर टू एक्स हो जाएगा, क्लियर। या यहाँ पर माइनस हो जाएगा वन बाई टू ई के पावर माइनस टू एक्स हो जाएगा बराबर डी टी बट्टा क्या हो गया, डी एक्स। चूंकि माइनस होता है माइनस इसके अंदर आता है, ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स होगा, और चूंकि इसका जो डिफरेंस है करेंगे सॉरी अब डिफरेंशियल है तो डिफरेंशियल होगा तो टू आएगा, क्या आएगा, टू आएगा, क्लियर। अब टू यहां से कॉमन हो गया तो ई के पावर टू एक्स माइनस ई के पावर माइनस टू एक्स यहाँ हो गया डी एक्स बराबर क्या हो गया, डी टी। यानी ई के पावर टू एक्स माइनस ई के पावर माइनस टू एक्स यहाँ हो गया डी एक्स बराबर डी टी, और यह दो आगे नीचे बाई टू। यानी ई के पावर टू एक्स माइनस ई के पावर माइनस टू एक्स डी एक्स हो गया डी टी बटा टू, इसलिए हम लिखेंगे ये हो गया आपका डी टी बटा दो, डी टी वन बाई टू, और यह इसको हमने माना था क्या, टी माना था, हो गया टी। यानी हो गया वन बाई टू इंटीग्रेशन वन बाई टी क्या आ गया, डी टी वन बाई टू ये हो गया लॉग टी प्लस सी वन बाई टू लॉग, और टी किसको माना, टी हमने माना ई के पावर टू एक्स, ई के पावर टू एक्स प्लस ई के पावर माइनस टू एक्स प्लस सी। यानी फाइनल आंसर हो गया आपका वन बाई टू लॉग ई के पावर टू एक्स प्लस ई के पावर माइनस टू एक्स प्लस सी, क्लियर। इस तरह आप इसको सॉल्यूशन कर पाएंगे। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ट्वेंटी वन नंबर क्वेश्चन दिया है, इंटीग्रेशन ऑफ टैन स्क्वायर टू माइनस टू एक्स माइनस थ्री डी एक्स। क्वेश्चन है 21 में, इंटीग्रेशन ऑफ टैन स्क्वायर टू माइनस टू एक्स माइनस थ्री क्या माना, डी एक्स। तो हम मानते हैं लेट टू एक्स माइनस थ्री बराबर टी, डिफरेंशियल करेंगे तो टू एक्स बट्टा डी एक्स माइनस थ्री डी थ्री, डी थ्री बट्टा डी एक्स यहाँ हो गया डी टी बट्टा डी एक्स, और टू कांस्टेंट है तो टू कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, डी एक्स का क्या होता है डी वन होता है, और यहाँ पर किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंस क्या होता है जीरो होता है, यहाँ हो गया डी टी बट्टा डी एक्स। यानी कि टू डी एक्स बराबर हो गया डी टी, और डी एक्स बराबर हो गया डी टी बट्टा दो। यानी डी एक्स कितना बता रहे, डी एक्स बटा कितना, और डी टी बट्टा दो हो गया। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, पुट करते हैं लिखेंगे, इसलिए यहाँ हो गया टेन स्क्वायर, क्लियर। और यह क्या हो गया आपका टी, टेन स्क्वायर टी डी एक्स डी टी डी एक्स डी टी, और यहाँ पर टू है तो यहाँ पर वन बाई टू, चूँकि डी टी बटा टू है तो डी एक्स पर तो डी टी लिख दिया लेकिन टू बाहर आ गया वन बाई टू, ठीक है। अब जो टेन का इंटीग्रेशन तो आपको क्या होता नहीं है, टेन को हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे,
क्लियर। तो टेन का होता है 1/2 इंटीग्रेशन, टेन का मतलब क्या होता है sec स्क्वायर, sec स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ऐसे देख लेंगे आप होता है sec स्क्वायर टी माइनस माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। तो हम टेन स्क्वायर टी के जगह पर क्या लिख सकते हैं, ये आपका माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा sec स्क्वायर टी माइनस 1 लिख सकते हैं। ठीक है, sec स्क्वायर टी माइनस 1 लिख सकते हैं। तो इस टेन स्क्वायर के जगह पर हम क्या लिखेंगे, sec स्क्वायर टी माइनस 1, ये हो गया dt। ठीक है, अब 1/2 हो गया, या बिट ब्रैकेट में आते हैं या 1/2 दोनों में लगाते हैं, तो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर टी डी टी माइनस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। क्लियर, 1/2 और sec स्क्वायर टी, sec का क्या होता है tan, sec का क्या होता है tan होता है, ये हो जाएगा tan t माइनस, और 1/2 और डी टी का क्या होता है सिर्फ टी होता है, डी टी क्या होता है टी प्लस सी, तो हो गया आपका 1/2 टेन। ठीक है, और टी का मतलब क्या हो गया, टी का मतलब है 2x-3, हो गया 2x-3 माइनस 1/2। ठीक है, अब फिर टी होता क्या 2x-3 प्लस सी। क्लियर, यानी कि फाइनल आंसर है 1/2 ठीक है, यहां पर जो 1/t है तो sec स्क्वायर टी माइनस 1, तो sec स्क्वायर टी माइनस 1, और यहां पर ये चूंकि dx में था तो ए वाला dt में रहेगा, लेकिन ए वाला आपको dx में रहेगा। ठीक है, dx में तो ये आपका क्या रहेगा, ये आपका dx में रहेगा, तो हो जाएगा x by 2 यहाँ से थोड़ा मिस्टेक हो गया था कि यहाँ पर ये दिया था आपको, ठीक है, यहाँ पर ये दिया था, मिस्टेक हो गया था कि जैसे मान लें कि tan स्क्वायर 2x-1 dx है, तो tan को हम लिख सकते हैं sec स्क्वायर x-1, तो यहाँ पर tan का हो गया sec स्क्वायर x-1। अब 1/2 कहाँ से आया, 1/2 यहाँ से dt 1/2, अब sec स्क्वायर x इसको हमने क्या माना है t माना है, क्लियर, sec स्क्वायर t dt माइनस, और यहाँ पर 1 बचे तो 1 का dx होगा, ये तो dt में नहीं चेंज होगा, इसलिए यहाँ पर 1/2 हो गया, और sec स्क्वायर t का मतलब क्या होता है tan t, ठीक है, और इंटीग्रेशन पर dx क्या होता है x प्लस c, तो 1/2 हो गया और tan हो गया, और t का मतलब क्या हुआ 2x-3 और माइनस एक्स प्लस सी। क्लियर, यानी फाइनल आंसर हो गया, यहाँ पर आपको डी की लिखा गया था इसलिए मिस्टेक हुआ। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको 22 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर 7-4x dx। क्लियर, इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर 7-4 dx, इसको हम मानते हैं लेट 7-4x बराबर क्या मानते हैं t। ठीक है, अभी इसका हम क्या करेंगे, दोनों साइड में डिफरेंस है x के रेस्पेक्ट में, तो d7/dx-4dx/dx ये हो गया dt/dx। क्लियर, 7 आपका 0 हो जाएगा, ये हो गया 4, ये हो गया dt/dx मीन्स माइनस 4x dx क्या हो गया dt, और यहाँ पर dx को अगर छोड़ दें तो dx हो गया -1/4
क्या हो गया डी टी, यानी कि डी एफ जो कन्वर्ट हो गया आपका माइनस वन बाई फोर डी टी में, इसलिए इसलिए इंटीग्रेशन इतना का मतलब ये डी एक्स मतलब क्या माइनस वन बाई फोर, माइनस वन बाई फोर बाहर आ गया, माइनस वन बाई फोर बाहर आ गया, ऊपर हो गया डी टी, ठीक है, और ये हो गया सेक स्क्वायर और इतना मतलब क्या हो गया टी टी, क्लियर, माइनस वन बाई फोर सेक स्क्वायर क्या आ गया टी डी टी, और ये हो गया सेक स्क्वायर का क्या होता है फॉर्मूला टेन, हो गया टेन टी प्लस सी माइनस वन बाई फोर टेन, और टी किसको माना, टी माना सेवन माइनस फोर एक्स प्लस सी, क्लियर, यानी कि माइनस वन बाई फोर टेन सेवन माइनस फोर एक्स हो गया, क्लियर। अच्छा चलेंगे 23 नंबर क्वेश्चन, देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर कह रहा है कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स बटा रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, क्लियर, इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स बटा रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर क्या है आपका डी एक्स है। तो हमने देखा था, मैंने आपको साइन इनवर्स टेन इनवर्स का फॉर्मूला भी बताया था, तो साइन इनवर्स एक्स को हम क्या मानते हैं टी मानते हैं, लेट साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या माना टी, और साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल जब करेंगे तो साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है वन बटा रूट अंडर वन माइनस एस स्क्वायर होता है, ये हो गया डी एक्स, ये हो गया डी टी, क्लियर, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है वन बट्टा रूट अंडर वन माइनस एस स्क्वायर डिक्स हो गया डी टी, इसलिए इतना का मतलब क्या हो गया डी टी, और नीचे हो गया आपका टी, यानी सॉरी यहां हो गया साइन इनवर्स एक्स डी एक्स, साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स को क्या माना गया है टी माना गया है, और वन बाई इतना को क्या हो गया डी टी, तो टी डी टी, क्लियर, टी डी टी हो गया। अब टी जो है पावर एक है, तो टी के पावर एन प्लस एम बटा एन प्लस वन प्लस सी, तो टी के पावर दो बटा दो प्लस सी, और टी किसको माना गया है टी माना गया आपको साइन इनवर्स एक्स को, हो जाएगा साइन इनवर्स, साइन इनवर्स एक्स एक बटा दो के पावर दो प्लस सी, यानी वन बाई टू साइन इनवर्स एक्स के पावर दो प्लस क्या हो गया आपका सी आंसर हो गया। अगर 24 नंबर क्वेश्चन, 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos x माइनस 3 sin x बटा 6 cos x प्लस 4 sin x क्या हो गया dx, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos x माइनस 3 sin x बटा 6 cos x प्लस 4 sin x आपका दिया हुआ है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, तो क्या इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos x माइनस 3 sin x, ठीक है, यहाँ पर दोनों में क्या कॉमन है दो कॉमन है, तो दो कॉमन है यहाँ पर जाएगा 3 cos x और यहाँ पर जाएगा प्लस 2 sin x और क्वेश्चन का ये हो गया आपका dx, 2 को क्या किया गया कॉमन कर लिया गया, 2 को क्या किया गया कॉमन, अब 2 को जब कॉमन करते हैं तो अब मानेंगे लेट 3 cos x प्लस 2 sin x बराबर t, क्लियर, 3 cos x प्लस 2 sin x को माना हमने क्या माना t माना, अब इसका क्या करेंगे डिफरेंशिएट करेंगे, तो 3 d cos x बटा dx प्लस 2 d sin x बटा dx, ये हो गया dt बटा dx, क्लियर,
आप जो कॉस का डिफरेंशियल है, कॉस का डिफरेंशियल क्या होता है आपका माइनस साइन होता है, तो माइनस थ्री साइन एक्स और साइन का क्या होता है कॉस होता है डी टी बट्टा डी एक्स। क्लियर, यानी कि कॉस का डिफरेंशियल आपका माइनस साइन होता है और साइन का क्या होता है कॉस होता है। तो क्या अब इसको सीधा कर देते हैं तो हो जाएगा टू कॉस एक्स, ये हो गया माइनस थ्री साइन एक्स, यहाँ पर क्या हो गया डी एक्स और यहाँ हो गया डी टी। ठीक है, ऊपर आ गया टू कॉस एक्स, टू कॉस एक्स माइनस थ्री साइन एक्स, थ्री साइन एक्स हो गया डी टी। अब ये हो गया आपका, इसलिए ये हो गया वन बाई टू बाहर आ गया, ये हो गया डी टी, यहाँ हो गया टी। क्लियर, टू कॉस एक्स माइनस थ्री साइन एक्स डी एक्स क्या हो गया डी टी, तो इतना हो गया आपका, इतना जो हो गया आपका क्या आ गया डी टी हो गया, और वन बाई टू यहाँ पर छिपा वन बाई टू बाहर आ गया और इसको हमने क्या माना था टी। अब हो गया वन बाई टू और डी टी क्या होता है लॉग टी प्लस सी, तो वन बाई टू लॉग और टी का मतलब क्या होता है थ्री कॉस एक्स प्लस टू साइन एक्स प्लस सी, एंड फाइनल आंसर हो गया वन बाई टू लॉग टू साइन एक्स प्लस थ्री कॉस एक्स प्लस क्या हो गया सी आपका आंसर हो गया। अब जो है अगर 25 नंबर क्वेश्चन लेते हैं, ट्वेंटी फाइव नंबर क्वेश्चन दिया है कि वन बाई कॉस स्क्वायर एक्स वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स यहाँ हो गया डी एक्स। क्लियर, इंटीग्रेशन ऑफ वन बाई कॉस स्क्वायर एक्स इंटू वन माइनस टेन एक्स का होल स्क्वायर, टेन एक्स का होल स्क्वायर, वन माइनस टेन एक्स का होल स्क्वायर तब दिया आपको डी एक्स। क्लियर, अब हम जानते हैं कि वन बाई कॉस स्क्वायर एक्स का मतलब क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, और नीचे है आपका वन माइनस टेन एक्स का होल स्क्वायर, यहाँ हो गया डी एक्स। ठीक है, वन बाई कॉस स्क्वायर एक्स को हमने क्या लिख दिया सेक स्क्वायर एक्स, नीचे बचा आपका वन माइनस टेन एक्स का होल स्क्वायर क्या हो गया डी एक्स। अब हम क्या मानते हैं इसको, हम क्या मानते हैं टी मानते हैं। लेट वन माइनस टेन एक्स बराबर क्या टी, हमने माना वन माइनस टेन एक्स क्या माना हमने टी माना, तो अब इनका इसका हम क्या करेंगे डिफरेंशियल करेंगे, डी वन बटा डी एक्स माइनस डी टेन एक्स बटा डी एक्स बराबर डी टी बटा क्या हो गया डी एक्स। ठीक है, ये तो हो गया जीरो माइनस, और टेन का इंटीग्रेशन क्या होता है टेन का डिफरेंशियल क्या, टेन का डिफरेंशियल क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये हो गया डी टी बटा डी एक्स, यानी फाइनल हो गया माइनस सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर क्या हो गया डी टी, यानी कि माइनस सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर क्या हो गया डी टी, और यहाँ पर आपका सेक स्क्वायर एक्स है तो हो जाएगा, इसलिए सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स में क्या आ गया माइनस आ गया, अब माइनस से ये क्या आ गया डी टी हो गया, और ये क्या हो गया टी, टी का स्क्वायर। क्लियर, माइनस डी टी बटा टी का स्क्वायर और टी ऊपर जाएगा तो जाएगा माइनस टी के पावर माइनस दू डी टी, और ये माइनस और टी के पावर एन प्लस वन बट्टा एन प्लस वन प्लस सी। क्लियर, यहाँ हो गया माइनस और टी के पावर कितना बचा माइनस एक बचा, और नीचे बचा आपको माइनस माइनस एक, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस एक यानी हो गया टी के पावर माइनस वन बट्टा प्लस एक, और वही ऊपर वन बाई टी हो जाएगा, ये चूंकि टी के पावर माइनस वन है तो नीचे का प्लस हो जाएगा वन बाई टी प्लस सी,
और वन बाई और टी के मतलब क्या बनेगा आपका वन माइनस टेन एक्स प्लस सी, यानी कि वन बट्टा वन माइनस टेन एक्स प्लस क्या हो गया सी हो गया। ठीक है, यानी कि टेन इनवर्स जो था आपको वन टेन इनवर्स हुआ और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, और टेन इनवर्स ऊपर जो है इनवर्स नीचे आता है तो क्या होता है प्लस होता है, तो वन माइनस टी प्लस सी और टी किसको माना वन माइनस टेन एक्स को, तो वन माइनस टेन एक्स प्लस क्या हो गया सी। क्लियर, ट्वेंटी सिक्स नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 26 इंटीग्रेशन ऑफ कॉस रूट एक्स बटा रूट एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस रूट एक्स बटा रूट एक्स बराबर क्या आ गया डी एक्स। तो हम मानते हैं लेट रूट एक्स बराबर क्या मानते हैं टी। क्लियर, हमने रूट एक्स को क्या माना टी माना, तो रूट एक्स का मतलब क्या होता है एक्स के पावर हाफ, फिर एक्स के पावर हाफ बराबर क्या हो गया टी, इसलिए डी एक्स के पावर हाफ डी एक्स बराबर क्या हो गया डी टी बटा डी एक्स, और हो गया एन एक्स के पावर एन माइनस वन बराबर हो गया डी टी बटा डी एक्स, ये हो गया वन बाई टू, यहाँ पर है एक्स के पावर माइनस वन बाई टू और यहाँ हो गया डी टी बटा डी एक्स वन बाई टू और एक्स के पावर हाफ है तो नीचे क्या आ जाएगा रूट एक्स, ये हो गया डी एक्स बराबर क्या आ गया डी टी, क्योंकि एक्स के पावर हाफ है तो एक्स के पावर हाफ का मतलब क्या होता है रूट, तो वन बाई टू रूट एक्स डी एक्स क्या है डी टी, इसलिए लिखेंगे कॉस ए आपका हो गया एक्स मतलब टी। क्लियर, और वन बाय रूट एक्स डी एक्स मतलब डी टी, यानी हो जाएगा आपका वन बाय रूट एक्स डी एक्स बराबर टू डी टी, टू डी टी यहाँ हो गया टू, यहाँ हो गया डी टी, टू बाहर आ गया, यहाँ हो गया कॉस टी डी टी। क्लियर, टू बाहर आ गया और कॉस का इंटीग्रेशन आपको होता है साइन, क्या होता है साइन टी प्लस सी, तो टू साइन टी किसको माना टी, हमने माना आपको रूट एक्स को, तो हो गया रूट एक्स प्लस सी। क्लियर, कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन, कॉस इंटीग्रेशन क्या होता है साइन, तो हो गया टू और टी की जब हमने क्या माना था रूट एक्स को माना टी माना था, इस टी के क्या रूट एक्स प्लस क्या हो गया सी, फाइनल आंसर आपका हो गया टू साइन रूट एक्स प्लस सी। क्लियर, अब चलिए 27 में क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन है 27 नंबर में कि इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर साइन 2x कॉस 2x dx। ठीक है, क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर साइन टू एक्स कॉस टू एक्स बराबर क्या आपको माना गया है डी एक्स, तो हम क्या करते हैं मानते हैं लेट साइन टू एक्स बराबर क्या मानते हैं टी। क्लियर, हमने माना साइन टू एक्स बराबर क्या माना हमने टी माना, अब जो है तो इसका हम क्या करते हैं डिफरेंशियल करते हैं, तो लेता है डी साइन टू एक्स बटा डी टू एक्स होता है डी, और
यहाँ पर गया टू एक्स, यहाँ पर क्या आ जाएगा डी एक्स, यहाँ पर गया डी टी बट्टा डी एक्स। क्लियर? क्योंकि साइन में दो फंक्शन है, एक फंक्शन ए है, तो पहले इसका एक बार करेंगे साइन के साथ, फिर यही यहाँ पर चल जाता है, फिर इसका करेंगे ठीक है, और फिर यहाँ पर डी टी बट्टा डी एक्स। अब इसका हो गया टू, ये तो हो गया कॉस टू एक्स, यहाँ पर हो गया टू, यहाँ पर हो गया डी टी बट्टा डी एक्स। क्लियर? अब ये हो गया टू कॉस टू एक्स डी एक्स बराबर क्या हो गया डी टी, यानी हो गया टू कॉस टू एक्स डी एक्स बराबर क्या हो गया डी टी। अब यहाँ पर देखेंगे कॉस टू एक्स दिख रहा है, कॉस टू एक्स दिख रहा है, यहाँ पर हम डी टी बटा दू लगाते हैं, हो जाएगा कॉस टू एक्स डी एक्स बराबर डी टी बटा दू कर दिए, क्योंकि हमको यहाँ पर कॉस टू एक्स दिख रहा है, तो हमको कॉस टू एक्स रखना है, तो कॉस टू एक्स डी एक्स बराबर डी टी बटा दो। क्लियर? अब चले, इसलिए यहाँ पर तो वन बाई टू, वन बाई टू बाहर आ गया, ये क्या हो गया टी का रूट, और ये क्या हो गया आपका डी टी। क्लियर? यानी कॉस टू एक्स डी एक्स हो गया डी टी बटा दो, ये हो गया डी टी बटा दो, ये हो गया साइन एक्स को मतलब टी रूट टी, और ये हो गया वन बाई टू इंटीग्रेशन टी के पावर हाफ, ये क्या हो गया डी टी, टी के पावर हाफ क्या हो गया डी टी। अब टी के पावर हाफ का मतलब क्या होता है, एक्स के पावर एन, एक्स के पावर एन का फॉर्मूला लगाएंगे तो हो जाएगा वन बाई टू एक्स के पावर एन प्लस वन बट्टा एन प्लस वन प्लस सी, तो वन बाई टू टी, यहाँ पर हो गया टू बन जाए टू थ्री बाई टू, यहाँ पर क्या हो गया थ्री बाई टू प्लस सी, वन बाई टू मल्टीपल ये थ्री बाई टू टू बाई थ्री हो जाता है, टी के पावर थ्री बाई टू प्लस सी, ये कट जाता है बढ़ जाता है वन बाई थ्री, टी के पावर थ्री बाई टू प्लस सी वन बाई थ्री बढ़ता है, टी टी क्या है आपका टी मारा गया है, कितना हो जाएगा साइन टू एक्स, और इसके पावर कितना थ्री बाई टू प्लस सी, यानी कि वन बाई थ्री साइन टू एक्स के पावर थ्री बाई टू प्लस क्या रहता है सी हो जाता है। क्लियर? अब चलते हैं क्वेश्चन देख रहे हैं आपका 28 नंबर, क्योंकि बहुत सा सिंपल सिंपल ट्रिक में आपको सोल्यूशन दिया जा रहा है, आपको फार्मूला नहीं याद है तो आप फार्मूला जरूर याद कर लें, सबसे पहला वीडियो आप इंटीग्रेशन का देख लें, आपको टोटल फार्मूला जितना भी आपको मतलब इस लेवल का बुक का है उस लेवल का बुक का फार्मूला दे दिया गया, फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में भी फिर नेक्स्ट जब आपको फार्मूले का सप्ताह भी तो फिर आपको फार्मूला बताया जाएगा, तभी तक जितना फार्मूला दिया गया है उसको 22 या 20 फार्मूला दिया गया आपको याद कर लेंगे। आप 28 नंबर क्वेश्चन है, कॉस एक्स बट्टा रूट अंडर वन प्लस साइन एक्स डी एक्स। क्लियर? लिखा है इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स बट्टा रूट अंडर वन प्लस साइन एक्स डी एक्स, तो मानेंगे लेफ्ट वन प्लस साइन एक्स बराबर क्या मानेंगे टी, हम मान लिए कि वन प्लस साइन एक्स को क्या माना टी, और इसका डिफरेंशियल करेंगे तो डिफरेंशियल जब करेंगे तो डी वन बट्टा डी एक्स डी साइन एक्स बट्टा डी एक्स, ये हो गया डी टी बट्टा डी एक्स, ये हो गया जीरो, ये हो गया साइन का कॉस, ये हो गया डी टी बटा डी एक्स, ये हो गया कॉस एक्स, ये हो गया डी एक्स, ये हो गया डी टी, यानी कॉस एक्स डी एक्स बराबर क्या आ गया डी टी। और चूंकि यहाँ पर लिख रहा है इसलिए कॉस एक्स डी एक्स मतलब क्या डी टी, ठीक है, और वन बाई और इतने का मतलब क्या हुआ रूट अंडर टी। ठीक है, वन प्लस साइन एक्स को मेरा टी और चूंकि रूट में है तो इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा टी के पावर माइनस हाफ डी टी, टी के पावर माइनस हाफ डी टी हो गया, और टी के पावर एन प्लस वन
बढ़ता है एन प्लस वन प्लस सी, क्लियर। तो टी के पावर दो एकम दो एक बट्टा दो बचेगा, ठीक है, यहाँ का बचेगा दो एकम दो में से एक बट्टा दो बचेगा प्लस सी बचेगा, यहाँ एक बट्टा दो ऊपर जाएगा तो जाएगा टू, और टी के पावर हाफ प्लस सी टू, और टी का मतलब क्या लिखा हमने, इतना लिखा तो वन प्लस साइन एक्स के पावर हाफ प्लस सी और टू, और वन प्लस साइन एक्स क्या लिखेंगे रूट अंडर वन प्लस साइन एक्स प्लस क्या हो जाएगा सी, क्लियर। यानी वन प्लस साइन एक्स को हमने मारा था टी, इसलिए इसके अगर हमने टी लिखा तो ये प्लस सी, फाइनल आंसर हो गया टू रूट अंडर वन प्लस साइन एक्स प्लस क्या हो गया सी, क्लियर। अब चलेंगे 29 नंबर। क्वेश्चन है cot x log sin x dx, क्लियर। क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ cot x log sin x क्या गया dx, क्लियर। अब हम क्या करते हैं, मानते हैं लेफ्ट log sin x बराबर t, log sin x को हमने क्या माना t माना, अब log के इसका क्या कहेंगे डिफरेंस है तो d log दो फंक्शन है तो पहले फंक्शन का यूज किया जाएगा आपको, पहले ये हो गया sin x, क्लियर, फिर यही ऊपर जाएगा तो sin x का फिर डिफरेंशियल यानी dt बटा क्या हो गया dx हो गया। अब हो गया log x है यहाँ पर भी क्या है log है, ठीक है, तो क्या होता है log का क्या 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 होता है 1 बाई एक्स, तो हो जाएगा 1 बाई साइन एक्स, क्लियर, और साइन का क्या होता है cos x dt बटा dx, अब ये हो गया cos x बटा साइन x dx बराबर dt, और cos x बटा साइन x क्या होता है cos x बटा sin x क्या होता है cot x dx बराबर क्या हो गया dt, क्लियर, यानी cot x dx बराबर क्या हो गया dt, और यहाँ हो गया cot x dx dt, और ये हो गया आपका t, तो t dt, क्लियर, cot x dx क्या हो गया dt हो गया, और यहाँ पर log sin x, तो log sin x बराबर क्या हो गया t, यहाँ पर t dt, अब हो गया t के पावर n, यहाँ पर 1 है हो जाएगा 1 प्लस 1 बटा 1 प्लस 1 प्लस सी, यानी हो जाएगा 1 बटा 2 टी के पावर 2 प्लस सी 1 बटा 2, और टी किसको माना गया, टी माना गया आपको लॉग साइन एक्स के पावर हाफ प्लस सी, क्लियर, तो log sin x की पावर क्या हो गया हाफ प्लस क्या आ जाएगा c, हाफ नहीं है यहाँ पर क्या है स्क्वायर है, यहाँ पर क्या होगा स्क्वायर है, यानी हो गया 1 बाई 2 tan, और t किसको माना गया, t मैंने माना log sin x को, तो log sin x और पावर 2 है तो यहाँ पर क्या होगा पावर 2 और प्लस क्या आ गया c, इस तरह करेंगे क्वेश्चन का सोल्यूशन। अब जो आपका 30 नंबर क्वेश्चन है बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 30 नंबर क्वेश्चन एकदम सिंपल क्वेश्चन है, थर्टी नंबर क्वेश्चन दिया है इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स बटा वन प्लस कॉस एक्स डी एक्स, क्लियर, थर्टी नंबर क्वेश्चन दिया है कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स बटा वन प्लस कॉस एक्स डी एक्स, क्लियर। अब देखेंगे कि 1 प्लस cos x को हम क्या मानते हैं, 1 प्लस cos x को मानेंगे t, तो जाएगा लेट 1 प्लस cos x को क्या माना t,
अब डिफरेंशिएट करेंगे डी वन बटा डी एक्स प्लस डी कॉस एक्स बटा डी एक्स, यहाँ पर मेरा डी टी बटा डी एक्स, क्लियर। और कॉस का डिफरेंशियल क्या होता है, माइनस साइन एक्स, तो मेरा जीरो माइनस साइन एक्स डी टी बटा डी एक्स, यानी हो गया माइनस साइन एक्स डी एक्स बराबर डी टी, या साइन एक्स डी एक्स बराबर माइनस डी टी, क्लियर। यहाँ पर इंटीग्रेशन, इसलिए इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स, ये हो गया माइनस वन बाई, और इसको क्या बना वन बाई टी डी टी, हो गया माइनस लॉग टी प्लस सी, यहाँ पर माइनस लॉग, और टी हमने क्या माना वन प्लस कॉस एक्स, तो वन प्लस कॉस एक्स प्लस क्या हो गया सी, यानी हो गया माइनस लॉग, माइनस लॉग वन प्लस कॉस एक्स प्लस क्या हो गया सी, क्लियर, ठीक है। अब चलते हैं 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स बट्टा वन प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स, क्लियर। यह भी क्वेश्चन क्या है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको क्या करना है, इसको मानना है लेट वन प्लस कॉस एक्स बराबर क्या माना टी, ठीक है। तो दोनों साइड जब क्या करें डिफरेंशियल करेंगे तो क्या आएगा माइनस साइन एक्स डी एक्स बराबर क्या आ गया डी टी आ जाएगा डिफरेंशियल करने पर। अब ये हो गया, इसलिए यहाँ हो गया माइनस, ये हो गया डी टी, और ये हो गया टी, टी के पावर दो, क्लियर। ये माइनस बाहर आ गया, ये हो गया आपका डी टी साइन एक्स डी एक्स, हो गया डी टी, और यहाँ पर टी स्क्वायर टू स्क्वायर, अब हो गया माइनस और टी के पावर माइनस दो डी टी, ठीक है, हो गया माइनस टी के पावर एन प्लस वन बट्टा एन प्लस वन प्लस सी, फॉर्मूला होता है क्यों एक्स के पावर एन, तो हो जाएगा माइनस टी के पावर, यहाँ पर जाएगा माइनस वन बट्टा, यहाँ पर जाएगा माइनस वन प्लस सी, और यह माइनस प्लस वन बाई टी के पावर वन प्लस सी वन बाई, और टी किसको माना गया, टी आपको माना गया वन बाई वन प्लस कॉस एक्स को प्लस सी, यानी वन बाई वन प्लस कॉस एक्स प्लस क्या हो गया सी हो गया। तो आज के लिए बस इतना ही, आपको कितना क्वेश्चन बना, आपको क्वेश्चन का सेशन हुआ आपको 31 तक क्वेश्चन का सेशन हुआ, फिर नेक्स्ट क्लास में आपको लेके आएंगे 31 से नेक्स्ट क्वेश्चन, जितना भी बचा हुआ ऑब्जेक्टिव जितना भी बचा वो भी उसको पूरा कर देंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल पर सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि आप लोग बेल आइकन को प्रेस नहीं करते हैं तो वीडियो का नोटिफिकेशन कैसे जाएगा, जब तक बेल आइकन प्रेस नहीं है तो वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं जाएगा, वीडियो जब अपलोड होगा तो आपको नहीं मिलेगा नोटिफिकेशन, इसलिए आप सब्सक्राइब करें, और अभी तक बेल आइकन प्रेस नहीं है तो बेल आइकन प्रेस करेंगे ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप घर बैठे स्टडी कर पाएंगे। थैंक्स माय वाचिंग वीडियो, बेस्ट ऑफ लक, और दोस्तों में जरूर शेयर करें।